म्यूजिक कितने सब्सक्राइबर्स हैं आपने? ये 11 या 12 7 म्यूजिक सात तो सच्चाई बोल रही है बेटा। अभी फेमस हुए नहीं है, हो जाएंगे। हाँ। कुछ बोल रहे इन लोगों को पता ही नहीं सब्सक्राइबर्स कितने हैं अपने। चलो एनीवेज कि अब हम वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें तो पता ही नहीं था। मत ये दोनों कुत्ते ना मेरी बात फिर मतलब मेरी बात काट, गजब बेइज्जती है यार। और तू कोई नहीं भौंकने दो, भौंकेंगे तो खाना मिलेगा ना। अब मेरी बात सुनो तुम दोनों, मैं वीडियो स्टार्ट करने जा रही हूँ ठीक है, तो बोलना नहीं है ज़्यादा। ओहो हम तो बनाएंगे नहीं जैसे। हाँ तुम ही दोनों बोलो, बोलो तुम दोनों। हेलो गाइस, ये क्या हेलो म्यूजिक लग गई। एनीवेज अब हम मैंने इसकी बेइज्जती बहुत की है स्टार्टिंग की वीडियो में तो आप लोग वीडियो स्टार्टिंग में देख लेना कि किस तरह से हमारी शुरुआत हुई और किस तरह से इसकी नीचे गिर गई। अब मैं चलती हूँ। कहाँ जा रही है? वैसे मेरी पूरी बेइज्जती हो चुकी है तो अब जाके अपने घर में रोटी बना लेती हूँ। काम ही यही है ना, काम ही यही है। जल्दी 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 जाओ। तू भी जा रही है कहीं? हाँ हाँ मैं भी जा रही हूँ, मेरे पेट में बहुत। इसकी ओवर एक्टिंग के 50 रुपये कटेंगे। देखो अभी मेरे लोग तो गए अपना अपना काम करने, अब मैं अपनी वीडियो का टाइटल देती हूँ। मेरी वीडियो का टॉपिक है सुविचार। तो इस वीडियो में ना इंटरेस्टिंग सी वीडियो है, स्किप नहीं करनी है वीडियो, आपको आपको देखनी है ये पूरी वीडियो है, सुविचार है। अरे बेटे ये बाल्टी भी तो उठानी है, लगता है मुझे अपने बेटे को बोलना पड़ेगा। एक तो मेरा बेटा भी छप रही है और मैं तो तीन चीज़ से बहुत परेशान हूँ दुनिया में, अपनी ज़िंदगी में। एक तो कमर का दर्द, दूसरा मेरा बवासीर और तीसरा मेरा छपरी बेटा ब्रजमोहन। साला जब भी अपनी कमर पे ध्यान दो तो दूसरी चीज़ नाराज़ हो जाती है, और दूसरी चीज़ पे ध्यान दो तो कमर का दर्द मुझसे नहीं सहा जाता। और तीसरा मेरा छपरी बेटा, अपने बेटे को बुलाता हूँ उठा देगा बाल्टी बेचारा। ब्रजमोहन, ओ ब्रिजमोहन, ये साला ब्रिजमोहन सुनता भी ना है मेरी बात। ये डंडे डंडे पड़ेंगे ना एक दिन तो सुधर जाएगा। अरे अरे बाबूजी आप कब आए? आपने मुझे बताया भी नहीं। मोहन तेरे को इतने देर से बुला रहा हूँ, तेरे को सुनाई नहीं दे रहा क्या? तेरे दोस्त। अरे बाबूजी तो मुझे बुला रहे थे, पहले अपना दमा और बवासीर ठीक करो हैं, तब मुझे बुलाना। और क्या कह रहे हो? छपरी 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 ना मेरे दोस्त मुझे बुला सकते हैं, तुम्हारे मुझे तो सिर्फ ब्रजमोहन ही अच्छा लगता है। मुझे बड़े छपरी छपरी बोलने वाले मेरे हैं, जाके चल उठा जा। वो मुझसे पिताजी नहीं उठेगी बाबू, उठा जा। अरे चल उठा, अरे उठा बाबू जी, मुझसे ना उठेगी इतनी हैवी। मुझे तो शाहरुख खान की तरह एक्टिंग करा लो और छपरीपन करा लो, सब कर देता हूँ। तू तो छपरीपन करता ही है। अरे बाल्टी नहीं उतर रही क्या? लग रहा है फ्लैश बैक में जाओ क्या? हाँ बाबू जी जा रहे हो ना बाबू जी, तो प्लीज देख लेना, कुछ किया ही नहीं है मैंने। फ्लैश बैक। अरे मेरी जानू आ गई, एक तुमसे ख्वाहिश है। बोलो बोलो जल्दी मेरे बाबू से ना एक। रियल टाइम क्या बहुत गहराई में तो चले गए थे, अब उठाना है कि नहीं? उठा रहा हूँ आपके, तो चुटकियों में मैं काम कर दूंगा। गाइस हाय गाइस, आप लोगों को पता है वो कौन है?
वो छपरी नंबर वन है और ये बाबूजी हैं हमारे। तो आप अगर वीडियो देखोगे तो वीडियो में पता चल जाएगा ये दोनों का कैरेक्टर क्या है और कैसी वीडियो है। लाइक करना अरे बाबूजी भूल गए, सब्सक्राइब तो करना। हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक पूरी और पूरी वीडियो देखना। हम लोगों ने शॉर्ट में वीडियो बनाई है कि एक बाबूजी के ना बेटा सुनता है काम को या नहीं सुनता है और किस तरह से बाबू से इरिटेट करता है, तो यही वीडियो का है। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करना और साथ ही साथ कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। बाय बाय।